जय हिंद पेंशन भोगियो, वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट न्यूज निकल के आ गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी 4 मार्च की ये हमारे पास लेटर निकल के आ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सार्जेंट जी धर्मेंद्र सिन्हा जी ने रिटायर्ड है, जिन्होंने यहाँ पे सबसे बड़ी बात कह दी है। और यहाँ पे ये वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है। देख सकते हैं आप OROP का न्यूज आपके समक्ष निकल के आ गया। साथ ही बता दें आज सुबह सुबह काफी पेंशन भोगियों को रिसीव्ड हुआ OROP का अमाउंट, वो भी बताएंगे। साथ ही वन रैंक वन पेंशन पे ये जो निकल के आया है, इन्होंने मैंने विरोध का यह रास्ता अपनाया है, मैंने इन्होंने यहाँ पे विरोध करते हुए बताया अपना जो एरियर इसमें रिलेटेड था, जो कि 12 मार्च से पहले आपको मिलने वाला है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट निकल के आ रही है। लेकिन वो OROP का फायदा जवानों और कम उम्र में रिटायर होने वालों के लिए था, जो कि ये पूरा फायदा अधिकारियों ले गए। देख सकते हैं आप पूरे अधिकारी यहाँ पे पूरा फायदा ले गए हैं लिखा हुआ है। और ये कहते हुए उन्होंने जैसे कि कम उम्र में जो रिटायरमेंट आ जाते थे, VRS और प्री मैच्योर जो आ जाते थे, उनके लिए उनको लिए ये OROP का एक्चुअल मीनिंग था, लेकिन अभी वो इस चीज से वंचित है। आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो काफी इसके लिए यहाँ पे मीटिंग भी हुई, काफी पेंशन भोगी व पेंशन धारक देख सकते हैं काफी वन रैंक वन पेंशन को लेके विसंगतियां को लेके पूर्व सैनिक संगठनों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निष्कर्ष भी निकाला गया, सभी संगठनों को वहां पर राय लिया गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर OROP रिविजन पर काफी सोसाइटी जो हमारी एक्सर्विसमैन की सोसाइटी है, उन्होंने वहां मीटिंग की और सबने अपना राय दिया। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये उनका लेटर दिखाता हूं, जो उन्होंने लेटर लिखा है आप स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है ये इन्होंने लिखा है। डियर सर, यहाँ पे IMX ग्रुप डिप्लोमा होल्डर वेटनर्स, आई रिटायर्ड August 2028, आई एम गेटिंग पेंशन अंडर सेवन CPC 7 पे कमीशन के अंडर, इनको बेसिक पे ग्रुप पे ऑफ 6200 पेंशन बेसिक पे बन रहा था, लेकिन OROP 2 और 666 रिलीज हुआ और इन्होंने काफी अपना यहाँ पे रखा है लेटर और बताया है कि उन्हें कितना अब मिल रहा है और इसमें कितना उनको मतलब कि कम मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इनका नॉन डिप्लोमा होल्डर एक्स ग्रुप हुज ग्रुप पे इज 3600, हेंस आई एम बीइंग डिनाइड द सर्विस पेंशन एज पर द टेबल 8, जो भूतपूर्व सैनिकों को पता होगा कि टेबल 8 जो निकल के आया था उसके लिए। और बता दें साथी पेंशन भोगियों को 20 तारीख, जी हाँ 20 मार्च आप लोग के लिए अंतिम दिन है, भूतपूर्व सैनिक ध्यान देंगे 20 मार्च से पहले पहले अपना जरूर अपना वार्षिक जो आपका होता है वार्षिक पहचान पत्र जीवन प्रमाण पत्र, चाहे DLC हो या MLC हो, आप जरूर ये दोनों पे ध्यान दें और जल्दी से जल्दी आप इस पर कार्रवाई करें। साथ ही आप देख सकते हैं आज सुबह सुबह हमारे पेंशन भोगियों ने काफ़ी सारा हमें मैसेज किया कि सर हमारा 24,000, हमारा 26,000, हमारा 30,000, हमारा 32,000, हमारा 37,000, किसी का 27,000 रिसीव हो रहा है। राम राम साहब, मैं मेरे को पूरा इंस्टॉलमेंट मिल गया क्या? तो ऐसी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो बता दें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो ऐसा ऐसा रिसीप्ट हुआ है। तो ये OROP का, जिन्हें OROP का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला था उसको 6 तारीख मतलब 6 मार्च 2023 को मिला, तो खुशखबरी देख सकते हैं आप निकल के आई गई है, धीरे धीरे पेंशन भोगी के हित में आई रही है। वार्षिक पहचान पत्र बनाए साथ ही जो आया था आपका 667 PCDA की तरफ से जो निकल के आया था उस पर भी आपको बता दें कि 667 जो रिमूव हो गया है इस पर बात चल रही है और MSP पे गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि इस पर बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी मिलिट्री सर्विस पे और ये 28 तारीख का जो था ये हटा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट से। इस पर भी क्या अधिक जानकारी है अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना।